और ये देखिए यहाँ से एंट्री सलमान खान की घर की, सलमान खान सर की एंट्री हो गई है देखो। अच्छा सही में सलमान सर की गाड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं मुंबई में सलमान खान का ये घर है और जो कि बहुत ही शानदार है। आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा सलमान खान के घर के बारे में जो आज तक किसी पत्रकार ने नहीं बताई। ये है सलमान खान का घर। एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, कोई घमंड नहीं है कि मुंबई शहर में मैं राजा हूँ तो मेरा घर बहुत बड़ा होना चाहिए, मेरा घर महल होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर सोने से बना होना चाहिए। कोई घमंड नहीं सलमान खान के अंदर। ये देखिए आप, सिंपल सोबर छोटा सा प्यारा सा घर है ये। और ये देखिए यहाँ से एंट्री है। कोई बड़े बड़े कोठिया बंगले 700-800 नौकरनी, 400 नौकरनी, 300 नौकरनी, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आसपास के दुकान वाले बहुत किस्मत वाले हैं सलमान खान के घर के पास। और ये देखिए यहाँ से एंट्री सलमान खान की घर की। और यहाँ पे जितने भी लोग शॉप लेके बैठे हैं बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो सलमान खान के घर के पास। भैया ये जो सामने मैं देख रहा हूँ ये अंदर वाला वाइट वाला मैटर, यही है पूरा घर सलमान? हाँ यही है। वाह जी वाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों जितने भी ये हमारे ऑटो वाले भाई हैं बहुत मेहनती है मुंबई के अंदर और इनकी एकता बहुत ज़बरदस्त है पूरे मुंबई के अंदर। ये देखिए आप, यहाँ से सलमान खान की डेली एंट्री होती है और यहाँ से ही सलमान खान बाहर आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे साथ में इनके शॉप है। और सबसे हैरानी की बात आपको बता दूँ कि कोई भी किसी तरीके का घमंड नहीं है कि मैं नौकर रख दूँगा, गाड़ियाँ ले आऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। गिनती के 6 नौकर काम करते हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं सबके पास 100-150 नौकर हैं काम करने के लिए। इनके पास सिर्फ गिनती के 6 नौकर हैं। और तहलका बहुत तगड़ा है कि पूरे मुंबई में इन्होंने ये साबित कर रखा है कि भाई कोई शोशाबाजी नहीं, कुछ नहीं, कोई घमंड नहीं, जैसे है वैसे रहे। एक अच्छा मैसेज भी है इसके अंदर कि ज़रूरी नहीं आप अरबपति खरबपति और आपके पास सोने की गाड़ियाँ हों, सोने की साइकिलें हों, सोने के बंगले हों, नहीं। पैसा संभाल के रखो, बहुत काम आता है। उड़ाने से आपको आने वाले टाइम पे बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। उड़ाओ मत, सेव करो। जैसे इन्होंने पूरे भारत देश में बहुत बड़ा नाम कमा रखा है, इनके बॉडीगार्ड शेरा ने उनके साथ रहकर, उनके साथ उनका साथ देकर, अपना गुरु मानकर एक ऐसी कंपनी खोल रखी है बॉडीगार्ड की कि पूरे मुंबई में उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, वो शेरा की कंपनी है बॉडीगार्ड की। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना, तहलका मचाता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा। और जितने भी हमारे देश के अंदर रेडी वाले भाई हैं, रिक्शे वाले भाई हैं, उनकी मदद किया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं दिन रात। वो पूरे दिन में रिक्शा चलाकर 300 रुपये कमाते हैं, 400 रुपये कमाते हैं। ऑटो वाले भाई, इनसे ऑटो किया करो, मत सोचा करो यार मैं छोटा बन जाऊँगा, गाड़ी ओला करूँगा, ऊबर, ओला ऊबर भी करो लेकिन यार ऑटो भी किया करो, इनकी भी रोजी रोटी चलती है यार। ये पूरा दिन बाहर रहते हैं, 400-500 जब कमाई होती है तो निराश होकर घर जाते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मत सोचा करो रिक्शे में बैठ जाऊंगा तो इमेज कम हो जाएगी, ऑटो में बैठ जाऊंगा तो इमेज कम हो जाएगी। बहुत सारे सेलिब्रिटी दिखा दूंगा जो मुंबई में ऑटो में घूमते हैं। और सलमान खान सर की मूवी आ रही है टाइगर, दबा के सपोर्ट करना, तहलका मचा देना पूरे भारत के अंदर। और टाइगर 3 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ेगी कि आप दंग रह जाओगे कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी मूवी नहीं आई होगी। कि टाइगर 3 के अंदर जो काम हो रखा है ना, वैसा हो रखा है कि हर बंदा देखने जाएगा, सारे शो हाउसफुल रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लव यू, बाय बाय। आपका तहलका भाई जल्दी सलमान खान सर से मुलाकात भी करेगा क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है, उनसे मिलने की मेरी बहुत तमन्ना है। उन जैसा कोई इंसान नहीं है। देखो सलमान खान सर की एंट्री हो गई है। देखो नहीं सलमान खान नहीं है इनके अंदर। अच्छा सही में सलमान सर की गाड़ी है, इसी में बैठे हूँ। बैठे नहीं है अभी, वाह जी। अच्छा उनकी गाड़ी क्या नंबर है गाड़ी का? 27 नंबर लकी है उनका। अच्छा आप प्रॉपर मुंबई से ही हो? कहाँ से? गुजरात से। सलमान सर का घर देखने आए हो? हैं? क्या बात है, जो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और आगे शाहरुख भाई का भी घर है। हाँ शाहरुख खान का, ठीक है देख ले। शाहरुख का देखना है, सलमान का देखना। अच्छा आप शाहरुख का देखने आए हो घर गुजरात से और ये सलमान का देखने आए हैं, मतलब आपको अलग प्यार है, इनको अलग प्यार है, क्या बात है। ये शाहरुख का फैन है, मैं सलमान का फैन। आप सलमान के फैन हो, क्या बात है। तो उनका कोई फेमस डायलॉग बताओ सलमान खान का, बताओ। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बात है। सांस कैसे ले और समझ जा। हाँ भाई आप शाहरुख खान के फैन हो तो फिर भाई फैन किस बात के, फिर फैन किस बात के भाई? मैं शाहरुख का डायलॉग बोल दे। भाई हाथ तो खोल दे यार। मैं बोल दूँ शाहरुख का डायलॉग? भाई क्या कर, अच्छा हाथ रखे अंदर। ये शाहरुख का डायलॉग बोल दे। बहुत सारे भाई आए हैं, देखो तो हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। दोबारा बोलो। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करें। क्या बात है यार। अभी जवान मूवी आई है ना, उसमें डायलॉग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे,
सही है।